गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 5 है सामाजिक ज्ञान का और ये चैप्टर का नेम है काम, जीवन और आराम, ठीक है। काम, जीवन और आराम जो ये चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको दिया गया है, ठीक है। ठीक है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है, दूसरा वीडियो इसका नहीं आएगा। ऊपर लिखा भी है कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों को उनको पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 काम, जीवन और आराम, ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए एक ही वीडियो में ये कर दिया गया है। बस अब हमारा इतिहास में केवल एक चैप्टर और बचा है, चैप्टर 6। दो चैप्टर, पहले 8 चैप्टर थे इतिहास में, जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो अब केवल चैप्टर 6 बचे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 है और अगला आपका चैप्टर 6, बस उसे पढ़ा दिया जाएगा तो आपका जो इतिहास होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। तो 18वीं सदी में लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, लंदन के आसपास के क्षेत्रों में लगने वाली फैक्ट्रियों में रोजगार पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे थे, इसलिए वहां की जो आबादी थी वो बढ़ने लगी थी। ये मेन कारण था लंदन की आबादी बढ़ने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में किस तरह के बदलाव आए, ये बदलाव किन कारणों से आए। तो देख लीजिए, 19वीं शताब्दी में लंदन की अधिकतर औरतें कामकाजी और प्रवासी थी। कैसे कामकाजी और प्रवासी थी, तो ये घरेलू नौकरियां, जैसे घरेलू नौकरानियों होती हैं, नौकरानियां होती हैं, वो खाने पकाने का कार्य, साफ सफाई का काम, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि काम थे उनके और वो करती थी। तो इस तरह से कई बदलाव भी है। और दूसरा कारण था कि वे लंदन के अमीर घरों में आया नौकरानी का काम करती थी, ठीक है। तीसरा था कि 20वीं सदी के आरंभ में विश्व युद्ध छिड़ जाने से महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आ गया, अब उन्हें बड़े कारखानों में भी भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि युद्ध के कारण कारखाने अपना उत्पादन बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से 19वीं और 20वीं सदी में बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में बदलाव आए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विशाल शहरी आबादी के होने से निम्नलिखित पर क्या असर पड़ता है, ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ समझाइए। तो देखिए, ये हमारा विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। पहला हेडिंग, पहली हेडिंग है जमींदार, दूसरी हेडिंग है कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस अधीक्षक, तीसरी हेडिंग है राजनीतिक दल का नेता। तो पहले जमींदार के बारे में पढ़ लेते हैं। जमींदार में क्या विशाल शहरी आबादी होने से क्या असर पड़ता है, तो शहरों में जमींदार हमेशा लाभ में रहते हैं। शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास की आवश्यकता होती थी, जमींदार लोग अपनी जमीन पर मकान तो बनवाते थे और लोगों को किराए पर दे देते थे, साथ ही अन्य कार्यों एवं व्यवसायियों के लिए भी जमीन देकर भी लाभ कमाते थे। तो इसमें सबसे जो बड़ा फायदा था वो जमींदारों को था। दूसरा, पुलिस अधीक्षक की बात करें तो देखिए, पुलिस अधीक्षक क्या करते थे, तो शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो पुलिस अधीक्षक का था। बड़े शहरों में आपराधिक घटनाएं होती ही रहती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से जनता के विरोध प्रदर्शन, धरना, ठीक है, हड़ताल आदि होते रहते थे, अतः पुलिस अधीक्षक को अधिक सावधानी रखने की जरूरत भी पड़ती थी। तीसरा, राजनीतिक दल के नेता, विशाल जनसंख्या वाले शहरों की अपनी समस्याएं होती थी, राजनीतिक दलों के नेताओं के पास जनता की सेवा करने का
उपयुक्त अवसर होता था। वे जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे और अपने लिए वोट बैंक भी तैयार करते थे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इन तीनों जो जमींदार, पुलिस अधीक्षक और राजनीतिक दल के नेता, इनको विशाल शहरी आबादी होने से इनको फायदा था। ठीक है, इनको क्या था? फायदा था। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर हमारा है। क्वेश्चन में व्याख्या इसमें भी करने के लिए बोली गई है। पहला है, 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया? दूसरा है, बंबई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? और गा नंबर, 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ में दिए गए हैं। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कारण, पहले नंबर का कारण देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। तो देख लीजिए पहला कारण क्या था कि धनी लंदन वासी गरीबों के घरों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से डरे रहते थे। ठीक है, वे लंदन को खूबसूरत भी देखना चाहते थे जो टूटे फूटे घरों और प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित था। दूसरा क्वेश्चन, बंबई की बहुत सारी फिल्में शहर से बाहर आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी, इसके बारे में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अधिकतर फिल्म निर्माता, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार लाहौर, कलकत्ता और मद्रास व अन्य दूसरी जगहों के थे। प्रवासी के रूप में वे भी इसके दुख कष्टों के मुक्त भोगी होते थे, अतः फिल्मों में भी वे इसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण करते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो बंबई की बहुत सारी फिल्में थी वो शहर में बाहर से आने वाले लोगों की जिंदगी पर आधारित होती थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए किस तरह से 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में वृद्धि हुई। तो पहला कारण था कि बंबई बंदरगाह से भारी मात्रा में सूती कपड़ा और कच्चे माल के व्यापार ने व्यापारियों, महाजनों और उद्योगपतियों को बंबई की तरफ आकर्षित किया। ठीक है, दूसरा कारण था कि टापुओं के समतलीकरण और समुद्र की भराई से व्यवसायिक गतियाँ भी बढ़ गईं। ठीक है, और तीसरा कारण था कि इन कारणों से 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, ये तीन कारण थे। ठीक है, कि तीनों कारणों से बंबई की जो आबादी हो गई थी वो बंबई की आबादी में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न जो है हमारे। ठीक है, उसका पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, ये तीन नंबर के आते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ इसी में शामिल है। तो चलिए हम पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं चार कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अब इसमें आपको केवल चार कारण देने हैं 19वीं शताब्दी में, जो लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं चार कारण को देना है। तो देखिए पहला कारण था, यहाँ पे अगर हम बात करें पहले कारण की, तो पहला कारण था 1810 से 1880 के बीच 70 वर्षों में लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। कितनी हो गई थी? 40। 1810 ईस्वी से लेकर 1880 के बीच, मतलब 70 वर्षों में लंदन की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, कुशल एवं शारीरिक श्रम करने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, कुशल एवं शारीरिक श्रम करने वालों की भी वृद्धि हो गई। तीसरी बात करें तो तीसरी, पांच प्रकार के उद्योग के कारण अवसरों की अधिकता हो गई। ठीक है, और चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण है, कारखाने, मोटर कार और बिजली उपकरण खुलने से लंदन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। ठीक है, तो इसी कारण से ये चार मेन कारण थे, जो मुख्य कारण थे, जिनकी वजह से जो लंदन में, लंदन की जो शहर की आबादी थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें जिनके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे निर्माण की आलोचना क्यों हुई, ये भी बताना है। तो देखिए भूमिगत जो रेलवे निर्माण था,
उसकी आवश्यकता हुई किस लिए हुई? सामाजिक परिवर्तन के लिए, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक है, तो इस वजह से रेलवे की आवश्यकता हुई। सबसे पहले गंदी बस्तियों की भरमार थी, निर्धन लोगों की अल्प मृत्यु भी थी, ठीक है, ये सारे कारण थे, क्योंकि उन्हें उन्हें सही से इलाज नहीं मिल पाता था, कोई सुविधा नहीं थी आने जाने की, और जल्दी से वो जा भी नहीं पाते थे कहीं पे, इस वजह से जो निर्धन लोगों की अल्प मृत्यु भी हो जाती थी। और 1917 की रूसी क्रांति से भी भय था, ठीक है, दूसरा कारण ये भी था, और तीसरा कारण था मजदूरों का आंदोलन। चौथे कारण की बात करते हैं तो चौथा कारण था समाज सुधार भावना जागृत होना, ठीक है, समाज का सुधार करना चाहते थे। और पांचवा कारण, निर्धनों के लिए गृह निर्माण योजना पर भी विचार किया गया। छठवां कारण, कारखाने से घर दूर होने के कारण, ठीक है, परिवहन साधन की भी जरूरत थी, और सघन आबादी के कारण भूमिगत रेलवे लाइन का निर्माण या आलोचना की गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, भूमिगत रेलवे के निर्माण के जो आलोचना के कारण थे उनको पढ़ लेते हैं कि क्यों इनकी आलोचना की गई, भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों की गई। तो देखिए क्यों की गई, पहली इसलिए आलोचना की गई कि भवनों को तोड़ना पड़ा इनको बनाने के लिए, जब भूमिगत रेलवे बना तो भवनों को क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। दूसरा, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, इधर से उधर होना पड़ा उनको। और तीसरा, सुरंग के भीतर रेल के चलने से कोयले के कण, गंध और धुएं से यात्रियों का दम भी घुटने लगा, ठीक है। पहले जो रेलवे बनते थे वो क्या करते थे, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर बने होते थे, जिसके कारण क्या था, कोयले के कण, गंध और धुएं से यात्रियों का दम भी घुटने लगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकला कि जो भी हो, भूमिगत रेल से लंदन की रिहायशी समस्या यातायात सुविधाओं के बढ़ने से हल हुई, ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर मतलब भूमिगत रेलवे ना होते तो इस तरह की जो सुविधाएं होती यातायात की वो ना होती, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये प्रश्न नंबर 3 क्या था, तो प्रश्न नंबर 3 था 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। तो देखिए भारी वृद्धि इसलिए हुई थी कि 1819 में बंबई का प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया, बंबई को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया, और 1854 और 1921 के बीच 85 सूती वस्त्र मिलों की भी स्थापना हुई। 1870 के दशक तक 22 वर्ग मील की समुद्र में डूबी हुई बंबई की भूमि का विकास भी हुआ। बंबई फिल्म उद्योग केंद्र बन गया, ठीक है, और बंदरगाह के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़े। तो इन सभी कारणों से बंबई की जो आबादी थी उसमें भारी वृद्धि हुई। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, निकलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप लंदन शहर में मनोरंजन तथा अवकाश के क्षेत्र में हुए सामाजिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। अगर यहाँ पे बात करें तो लंदन में औद्योगिकरण के फलस्वरूप दो विरोधी वर्ग उभरे, अमीर और गरीब, ठीक है। अमीर के मनोरंजन के लिए लंदन सीजन का प्रयोग किया गया, और मजदूर वर्ग के लिए पब या शराब खाने का निर्माण किया गया, और अमीरों के लिए लंदन सीजन का निर्माण किया गया। आम जनता के लिए पुस्तकालय, कला दीर्घाएं तथा संग्रहालय का निर्माण किया, और निम्न वर्ग के लिए संगीत सभाएं तथा हॉल का निर्माण किया गया, और सिनेमा सिनेमा का भी निर्माण किया गया। तो ये कुछ जो सामाजिक परिवर्तन करे गए जिनके कारण मनोरंजन तथा अवकाश के दिन ये लोग मतलब जब अवकाश प्राप्त होगा तो अवकाश के समय हम लोग क्या कर सकें, मनोरंजन कर सकें। तो ये लंदन शहर में जो मुख्य काम किए गए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 19वीं सदी के कलकत्ता शहर की प्रदूषण समस्याओं का इसमें वर्णन करना है। ठीक है, कलकत्ता शहर की जो प्रदूषण समस्याएं हैं उनका वर्णन करना है। समस्या क्यों, समस्या पैदा हुई थी और कैसे? क्योंकि पहला इसका जो कारण था कि वायु में ज़्यादा धुआं तथा मटमैली हवा का होना था। ठीक है, वायु में जो ज़्यादा धुआं जा रहा था और जो मिट्टी थी मटमैली जो हवा हो गई थी, इस कारण से प्रदूषण की समस्या बढ़ गई थी। दूसरा, दलदली जमीन पर बसा होने के कारण सर्दियों में अधिक कोहरा जो धुएं के साथ मिलकर क्या बना लेता था, धुंध बना लेता था। तीसरा, कारखाने से निकलने वाला धुआं जल वायु और मिट्टी प्रदूषण फैलाता था। ठीक है, चौथे अगर कारण की बात करें तो चौथा कारण था आधुनिक मशीनों। तो देख लीजिए, जो पहला काम 18वीं शताब्दी में लंदन में महिलाओं द्वारा अपनी आय को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट करना है, उनके बारे में बताना है कि महिलाओं द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। पहला कार्य किया गया कि घर पर काम करना, जैसे सूत काटना, कपास को साफ करना, कपड़े रंगना, ये किया गया। दूसरा, फैक्ट्रियों में श्रमिक की तरह भी कार्य किया महिलाओं ने। ठीक है, तीसरा, घर के फालतू स्थान को किराए पर देना स्टार्ट कर दिया। और चौथा, सिलाई बुनाई माचिस आदि बनाने का भी कार्य महिलाओं ने स्टार्ट कर दिया अपनी आय को बढ़ाने हेतु। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में लंदन को साफ करने के लिए कौन कौन से 3 कदम उठाए गए। तो देखिए, लंदन को साफ करने के लिए 3 कदम जो उठाए गए थे, पहला कदम क्या था, अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए गए, अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए। दूसरा, किराया नियंत्रण कानून भी लागू किया गया। और तीसरा, ब्रिटिश राज्य के स्थानीय शासन के साथ मिलकर 10 लाख मकान बनाए। और चौथा, भूमिगत रेलवे का भी निर्माण किया गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दुर्गा चरण राय के अनुसार कलकत्ता का शहरी जीवन किन 3 तरीकों से विरोधी छवियों को प्रस्तुत करता था। तो देखिए, दुर्गा चरण राय के अनुसार जो कलकत्ता का शहरी जीवन था वो पहला क्या था, कलकत्ता ब्रिटिश राज्य की राजधानी थी और वर्षा का देवता वरुण देवताओं को रेल में बिठाकर यात्रा कराता था और इसी तरह से इसकी छवि को प्रस्तुत किया गया। दूसरी, देवता प्रदूषण व धुआं देख चकित हो जाते थे। ठीक है, तीसरा, जगमगाते महासागर की चकाचौंध से देवता प्रभावित होते हैं। और चौथा, कलकत्ता में रोजगार की भरमार थी पर यहाँ ठग चोर व भयंकर गरीबी भी है। ठीक है, इस तरह से दुर्गा चरण राय ने कलकत्ता का शहरी जीवन को की वीडियो में छवियों को प्रस्तुत किया। ठीक है, यहीं पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बंबई नगर कुछ लोगों के लिए सपनों का नगर तथा अन्य लोगों के लिए कठिनाइयों का नगर क्यों है। ठीक है, तो देखिए, बंबई जो शहर है वो काफ़ी बड़ा है, तो बंबई शहर अपने व्यापार कारोबार व उद्योगों के कारण अप्रवासियों को आकर्षित करता है। ठीक है, दूसरा, बंबई आशाओं व अवसर का नगर था। और तीसरा, फलता फूलता व्यापार निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता ने फिल्म उद्योग को सपनों की दुनिया बना दी थी। और चौथा, विकास में जो समस्याएं भी थी वो गंदी बस्तियां, चालों की बढ़ोतरी, लोगों की दयनीय स्थिति तथा लगातार संघर्ष और जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत, ठीक है, ये सारी कठिनाइयां थी बंबई नगर के लोगों के लिए। ठीक है, कुछ तो लोगों के लिए तो सपनों का ये नगर था और कुछ लोगों के लिए कठिनाइयों का नगर था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंबई के विकास में सहायता के लिए चलाए गए भूमि विकास की विभिन्न परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या था, 1864 ईस्वी में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छारे, ठीक है, 1864 ईस्वी में मालाबार हिल से, ठीक है, किस हिल से, मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छारे तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक बे रिक्लेमेशन कंपनी को मिला। ठीक है, 1870 तक शहर का क्षेत्रफल 22 वर्ग मीटर किलोमीटर पहुंच गया था। ठीक है,
कितने मीटर? 22 किलोमीटर पहुंच गया था। तेजी से बढ़ी आबादी के साथ ज्यादा से ज्यादा समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। और चौथा, भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई, जिसने सूखी गोदी का निर्माण किया। मिट्टी से 22 एकड़ व बालार्ड स्टिल्ट बनाया, मरीन ड्राइव भी बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ कार्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले हमारे क्वेश्चन है बहुविकल्पी, उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, चार्टिज्म आंदोलन किस लिए था? ठीक है, तो चार्टिज्म आंदोलन था ये किस लिए था? तो ये था किस लिए, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हमें बताना है केवल राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन है वयस्क पुरुष मताधिकार के लिए चार्टिज्म आंदोलन किया गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस शहर का इतिहास प्रदूषण की दृष्टि से बहुत पुराना है? तो प्रदूषण की जो दृष्टि से इतिहास पुराना है वो है कलकत्ता शहर का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कलकत्ता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि निम्नलिखित में से किसे गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकसित किया, मतलब किसने गार्डन सिटी के सिद्धांत को का विकास किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये किया था, गार्डन सिटी का सिद्धांत जो विकास किया था वो किया था एबेनेजर हावर्ड ने। किसने किया था? एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक है, किया था गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको लौह दैत्य कहा गया? देखिए, लौह दैत्य की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, औद्योगिक शहर, नई फैक्ट्रियां, लंदन, भूमिगत रेलवे या टेनेमेंट्स। तो लौह दैत्य किसे कहा गया है? तो लौह दैत्य कहा गया है लंदन भूमिगत रेलवे को कहा गया है। किसको बोला गया है? लंदन भूमिगत रेलवे को लौह रत्न कहा गया है, लौह दैत्य कहा गया। ठीक है, लौह दैत्य कहा गया है। ठीक है, इसको कहा गया है तो लंदन भूमिगत रेलवे को लौह दैत्य कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस वर्ष कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो धुआं निरोधक जो कानून था वो पारित किया गया था, कब पारित किया था? 1863 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का निर्माण लंदन में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अब 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 17वीं शताब्दी में बंबई निम्न में से कितने टापुओं का समूह था? तो 17वीं शताब्दी में बंबई जो था वो 7 टापुओं का समूह था। कितने टापुओं का समूह था? 7 टापुओं का समूह था। ठीक है, बंबई जो था वो कितने टापुओं का सही था? तो बंबई जो शहर था ये 7 टापुओं का शहर था, समूह था मतलब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन है? तो देखिए, फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो बहुत पहले बनी थी, सबसे पहले बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र का निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था। किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने, ये निर्माता थे राजा हरिश्चंद्र फिल्म के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दुर्गा चरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, किसने किसने कौन सा उपन्यास लिखा? तो दुर्गा चरण ने जो उपन्यास लिखा वो लिखा देव गानेर मत्य आगमन। ठीक है, क्या लिखा? देव गानेर मृत्य आगमन, ये उपन्यास किसका था? तो ये था दुर्गा चरण का उपन्यास। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्यवाही को इनमें से किस नाम से याद किया जाता है? ठीक है, तो लंदन में हुई पुलिस कार्यवाही को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
अगले अब हम बात करते हैं, तो अगले देखिए अति लघु उत्तरी हमारे जो प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे, ये भी एक एक नंबर के आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ चुके हैं वही है कि दुर्गा चरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा है, तो देव गानेर मृत्यु आगमन। किसने गार्डन सिटी अवधारणा का सिद्धांत बना है, तो एवे निजर हावर्ड ने। अगला चार्टिज्म आंदोलन किस लिए था, वयस्क पुरुष मताधिकार के लिए था। अगली बात करें तो 17वीं शताब्दी में बंबई कितने टापुओं का शहर था, तो कितने टापुओं का शहर था बंबई, तो बंबई शहर था 7 टापुओं का शहर था। दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच दौड़ी थी, तो ये दौड़ी थी पैंगिटन से फेरिंगटन तक। ठीक है, पैंगिटन से फेरिंगटन तक। चलिए किसको लौह दैत्य कहा गया है, तो लंदन भूमिगत रेल को लौह दैत्य कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है, तो देखिए भारत का जो शहर मायापुरी कहलाता है वो कहलाता है बम्बई। बम्बई भारत का शहर मायापुरी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्रवाई को किस नाम से याद किया जाता है, खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून कब बनाया गया था, तो कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून 1863 में बनाया गया था। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था, तो दादा साहब फाल्के थे। आगे चौल किसे कहते हैं, तो चौल कहते हैं किसे कहते हैं, चौल इसकी बारे में बात कर रहे हैं कि चौल किसे कहते हैं, तो देखिए चौल किसे कहते हैं, चौल अस्थाई काम चलाऊ मकान को बोलते हैं। ठीक है, उसे चौल बोला जाता है। अंग्रेजों से पूर्व बंबई किसके अधिकार क्षेत्र में थी, तो बंबई जो थी अंग्रेजों से जो पूर्व बंबई थी वो पुर्तगालियों के अधिकार में थी। तो यहीं से जो आज की हमारी क्लास थी वो फिनिश होती है। इतने ही क्वेश्चन थे जो करवाने थे हमें। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, पूरा जो अध्याय है मतलब पूरा चैप्टर है वो आपको एक ही वीडियो में ये है। ठीक है, काम जीवन और आराम। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको करवा दिया गया, आप इसे कर लीजिए। अगला चैप्टर आपको इसके बाद मिलेगा, उपन्यास जीवन और समाज। ठीक है, इतिहास। ठीक है, ये चैप्टर है अगला, और इसी तरह से हमारी जो इतिहास होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इतिहास हमारी बस कम